अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। मैं इस वक्त SSU के हेडक्वार्टर में मौजूद हूं। आज भी हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और आपको हम बताएंगे नहीं कि इस बार हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। शूटिंग सीखनी है, निशाना अच्छा करना है, तो उसके लिए एक बड़ा आपको जगह चाहिए और उसके लिए रेंज आपको एक प्रॉपर बनानी पड़ती है। इसके अलावा अगर उसमें एम्यूनिशन इस्तेमाल करें, गोलियां इस्तेमाल करें, तो आजकल बहुत महंगी होती जा रही है, लेकिन अब सिंध पुलिस की जाने से इसका हल निकाला गया है। बिल्कुल, मैं इस वक्त SSU के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ जहाँ पर 3D स्क्रीन के जरिए शूटिंग सिखाई जा रही है। मेरे कैमरा मैन साथ में से चलेंगे और आपको दिखाता हूँ कि ये वो स्क्रीन हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहाँ पर 3 स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई हैं। ये टेक्नोलॉजी है, ये देखें आप यहाँ पर इसमें स्क्रीन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कैमरेज लगे हुए हैं उससे ये लेजर के जरिए यहाँ पर शूटिंग सिखाई जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके अंदर 200 से ज्यादा स्क्रीन मौजूद हैं, सीन मौजूद हैं। इसमें क्या होता है, किस तरीके से आप प्ले करते हैं इसको? दरअसल ये कंप्यूटर की तरह होता है, इसमें सारा सिस्टम कंप्यूटर की तरह होता है। इसमें प्ले का भी ऑप्शन होता है और स्टॉप का भी ऑप्शन, सिनेरियो को ओके करके उसको प्ले करते हैं ताकि जो ट्रेनी होते हैं वो अपना फायर ठीक कर सकें। इसमें आप कितने सिचुएशन एक साथ लगा सकते हैं? इसमें 1x1 चलता है क्योंकि ये हैवी सिस्टम है, इस पर एक पर एक के बाद एक चला सकते हैं और इसमें 200 से ज़्यादा सिनेरियोज हैं और टारगेट्स हैं। अच्छा, तो इससे कितना फ़ायदा होगा आप लोगों की जो कैडेट्स हैं उनको कितना फ़ायदा होगा? इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि लाइव एमिनेशन पे ज़्यादातर जो नए रिफ्रेशर आते हैं, नए ट्रेनी आते हैं, उनको फायर करने में बहुत मुश्किल होती है, पर ये ऐसा है कि इसमें आके अपना फायर बहुत अच्छा कर सकते हैं वो, इस वजह से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम आपसे कहेंगे अगर इसमें इसको प्ले करके दिखाएं तो आप किस प्ले करके दिखाएं हमें ज़रा। बिल्कुल, ये अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब ये कोई सा भी सीन यहाँ से पिक करेंगे और वो सीन यहाँ से क्लिक होने के बाद जो मेन स्क्रीन है उसके बाद चला जाएगा। मैं पहले से कहूँगा कि यहाँ पे प्ले कर दें, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से इसमें शूटिंग की जाएगी। ये प्ले कर रहा है, ये देखिए अभी लोडिंग हो रही है, अब इन्होंने सेलेक्ट कर लिया सीन। अब यहाँ से लोडिंग होने के बाद हमारे साथ चले कैमरामैन और दिखाएं कि इस यहाँ से लोड होने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर जो सीन है, जो सिनेरियो है वो बन जाता है। इस वक्त इंस्ट्रक्टर भी मेरे साथ मौजूद है, आपको दिखाएंगे कि वो इस वक्त शूटिंग करके दिखा रहा है। पहले आप शूटिंग करके दिखा रहे किस तरीके से हो रही है। इस वक्त यहाँ पर देखेंगे एक सीन है, कोई डाकू गरगमाल बनाया हुआ है, लेकिन डाकू को कैसे फौरी तौर पर रिएक्ट करना है इस स्क्रीन के अंदर वो ज़्यादा आपको तरीके के अंदर आएगा। सामने की जाने पर टारगेट है तो इस तरीके से आप अपना निशाना बेहतर कर सकते हैं। एक और जो है जो फायरिंग रेंज है वो भी मैं कहूँगा कि लगाएं दिखाएं कि फायरिंग रेंज भी यहाँ पर बेहतर की जाती है, जो जो ज़्यादा बेहतर है निशाना लगाने से। तो असलम भाई, ये जो सामने हम अभी स्क्रीन चलेगी देखेंगे हम कि वो टारगेट्स उसमें हैं, तो उसमें टारगेट्स किस तरीके से काम करेंगे, इसमें वेपन हैंडलिंग किस तरह की जाती है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। तो सर, ये आप जैसे कि अभी टारगेट्स लगाएंगे उसमें आपको फायर करके दिखाऊंगा, उससे पहले वेपन हैंडलिंग के बारे में बताते हैं आपको, उसको वेपन कैसे पकड़ा जाता है, वेपन को कैसे हैंडल किया जाता है, और वेपन की फ्रंट साइड बैक साइड यू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीधा किया जाता है और कैसे उसको फायर किया जाता है उस पर। ठीक है, अभी आपके सामने टारगेट्स हैं, तो 1x1 अभी हम बताया जाता है कि इसमें आपने कहाँ फायर मतलब एम को रखना है, उसके बाद आपका फायर कैसे कहाँ जाके लगेगा। जैसे हम फायर करेंगे यहाँ पे और आपका फायर आपको नजर आएगा लगा या नहीं लगा। इसमें ये चीज़ भी एक तो हमें बहुत आसानी से पता चल रही है कि आपका फायर कहाँ जा रहा है, मतलब जैसे रियल में हमें जाके चेक करना पड़ता है बाद में, तो यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हमें वैसे नजर आ रही होती है। उसके बाद ये आपके पास टारगेट से मूविंग टारगेट है, आपके सामने ये देखें, आपके सामने एक मूविंग टारगेट नजर आ रहा है। इस पर हमें जैसे हम फायर करेंगे हमें पता चलेगा कि फायर आपका कहाँ लगा है, बैक को लगा, हेड को लगा, ये आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ नजर आ रही है। ऊपर जो जो ये आ रहे हैं फायर फायर, ये नंबरिंग किस चीज़ की है? सर, ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखें, ये आपके जो हमने राउंड हिट किया वो नजर आया, स्कोर जो हिट होगा आपको वहाँ पे नजर स्कोरिंग नजर आएगी। उसके बाद ये ऊपर एक वेपन नजर आ रहा है, इसके सामने ये इसके राउंड थे 15 राउंड, एक राउंड मैगजीन में 16 राउंड होते हैं, अब यहाँ पे एक राउंड माइनस हो गया, 15 राउंड हो चुके हैं। तो इससे कितना फायदा होगा, कैडेट्स होंगे और एक तो पैसे भी बच रहे हैं सरकार के, और इसमें कोई हेजिटेशन भी नहीं है, कोई जख्मी भी नहीं होगा? सही से तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है हमें, एक तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि डमी वेपन है और इसे बहुत आसानी से सीख पाएंगे। उसके बाद हमें जो है किसी चीज़ का खतरा नहीं है, इंजर्ड नहीं होगा इससे। यहाँ टेक्नोलॉजी का नाम क्या है इसका? सिर्फ पूरा सिमुलेटर है, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का सिमुलेटर सिस्टम है पूरा। और ये आप हमें ये बताएं कि एक नया जो कैडेट है कुछ, उसको किस तरीके से वो वेपन हैंडलिंग करेगा, किस तरह से एम करेगा, जरा हमें डेमो करके दिखाएं जरा। आपके पास
जैसा भी हो उसमें यही बताया जाता है आपने वेपन के ट्रिगर गार्ड के ऊपर रखना है, उसके बाद जब आप वेपन रेडी राउंड फायर के लिए रेडी हो जाए उसके बाद आपने ट्रिगर गार्ड के अंदर फिंगर लगानी है। अच्छा बिल्कुल, आपने असलम भाई की बात नहीं, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है, बहुत सारे जो नौजवान हैं उनको तरबियत दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप पहले फील्ड के अंदर जाएँ और प्रैक्टिकली फायरिंग करें, पहले आपको उसकी पिस्टल की हैंडलिंग पता हो, निशाना आपका बेहतर हो जाए। और ना सिर्फ इससे एक फायदा आपका निशाना बेहतर होगा लेकिन आप मेंटली तौर पर भी जो है बहुत शार्प हो जाएंगे, क्योंकि अगर खुदा ना करे कोई हमला होता है तो यहाँ पर एसएसयू जवान, जो एसएसयू का जवान है वो ज़हनी तौर पर तैयार होगा कि सिचुएशन बन रही है, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, क्या रिएक्ट करना है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है तो उस दौरान मुकाबला हो जाता है डाकुओं से, तो कैसे जो है उनसे निपटना है, इस सॉफ्टवेयर की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए और इस तरह की आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।